पोको एम टू प्रो के कुछ यूजर के कमेंट्स आए कि यहाँ पर MIUI 12.5 के लिए जो रिक्वायरमेंट निकल के आई थी इंडिया में, उनको अपडेट्स कब तक देखने के लिए मिल सकते, किस मंथ में मिलेगा, क्या उससे पहले हमें एंड्रॉयड 11 अपडेट मिलेगा या फिर उसके साथ में मिलेगा, उसके बारे में बताओ। यहाँ पर उसी के बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास पोको एम टू प्रो का डिवाइस है तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। आप लोग को बता दूं गाइस, यहाँ पर पोको एम टू प्रो में लास्ट मंथ कोई भी न्यू अपडेट देखने के लिए नहीं मिला था। यहाँ पर काफी ज्यादा समय हो चुका है, पोको एम टू प्रो में कोई भी न्यू अपडेट नहीं रोल आउट किया गया। अब यहाँ पर एक न्यू अपडेट रोल आउट हो सकता है जो कि आपको नेक्स्ट मंथ में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफी यूजर के कमेंट्स आ रहे थे नेक्स्ट अपडेट कब तक मिलेगा। यहाँ पर पोको एम टू में नेक्स्ट अपडेट आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा जो कि मई के मंथ में, अप्रैल एंड तक कोई भी चांस नहीं, यहाँ पर अप्रैल एंड तक आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगा यहाँ पर, लेकिन मई के मंथ में डेफिनेटली अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें कि ये भी कमेंट्स आ रहे थे एंड्रॉइड 11 अपडेट होगा, क्या वही अपडेट हम लोगों को नेक्स्ट अपडेट में मिलेगा या फिर MIUI 12.5 का अपडेट कब तक मिल सकता है। यहाँ पर आपको बता दूँ नेक्स्ट मंथ में आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट भी देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ गाइस, फिलहाल के लिए इसकी स्टेबल की टेस्टिंग चल रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में Xiaomi के ऊपर डिपेंड करता है ये लोग कौन सा अपडेट प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन स्टेबल की टेस्टिंग भी ये लोग के ऊपर डिपेंड करती है लोग कितनी जल्दी कंप्लीट करके आप लोग को प्रोवाइड करा दे। फिलहाल के लिए पोको M2 Pro के लिए अगर आप लोग Android 11 अपडेट के लिए वेट कर रहे हो तो यहां पर आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि उससे पहले गाइस यहां पर पोको X3 के लिए Android 11 अपडेट मिलना बाकी है। पोको X3 के लिए Android 11 अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा, फिर उसके बाद पोको M2 Pro के लिए अपडेट देखने के लिए मिलेगा, जो कि गाइस यहां पर आप लोगों को नेक्स्ट मंथ के एंड तक वेट कर लेना है। नेक्स्ट मंथ यानी ये मई के एंड तक आपको वेट कर लेना है। मई के लास्ट वीक में पोको M2 Pro के लिए कोई ना कोई न्यू अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। अगर गाइस यहां पर Android 11 की स्टेबल की टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई पोको M2 Pro में, तो यहां पर आपको नेक्स्ट मंथ में जस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट ये लोग प्रोवाइड करा देंगे Xiaomi वाले, जो कि गाइस यहां पर आपको मिड मई के अंदर ही प्रोवाइड करा सकते। लेकिन अगर कंप्लीट हो गई, यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया Xiaomi के ऊपर डिपेंड करता है ये लोग कितनी जल्दी टेस्टिंग कंप्लीट कराते हैं स्टेबल की और उसके बाद प्रोवाइड कराते, अगर कंप्लीट हो जाता है तो काफी अच्छी बात होगी। तो यहां पर ये अपडेट आपको मई के एंड तक Android 11 का अपडेट देखने के लिए मिल सकता है पोको M2 Pro में, तो उसके लिए आप लोगों को वेट कर लेना है अगर आप लोग Android 11 अपडेट के लिए वेट कर रहे हो तो। लेकिन अगर मैं बात करूं MIUI 12.5 अपडेट को लेके, तो यहां पर इंडिया के लिए जो रिक्वायरमेंट निकल के आई थी अभी फिलहाल के लिए इसकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो नॉट वैलिड है, यानी कि पूरी तरीके से तैयार नहीं है। यहाँ पर और भी डिवाइसों को ऐड किया जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट यानी कि जो जो रिक्वायरमेंट निकल के आई थी इंडिया के लिए कौन से डिवाइस सिलेक्ट हो चुके, जहाँ पर आपको पोको M2 Pro का भी नाम देखने के लिए मिलता था। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये अपडेट हमें मिलना कब स्टार्ट होगा इंडिया में, यहाँ पर पोको M2 Pro के लिए MIUI 12.5 का जो स्टेबल अपडेट है, स्टेबल अपडेट की तो फिलहाल के लिए इंडिया के लिए कोई भी लिस्ट निकल के नहीं आई कि इस मंथ में मिलेगा। फिलहाल के लिए ग्लोबल की लिस्ट आई है जो कि अप्रैल से लेकर जून का शेड्यूल देखने के लिए मिला, लेकिन अभी तक ये अपडेट ग्लोबल में स्टार्ट नहीं किए गए, अभी फिलहाल चाइना में ही देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर उसके बाद ये अपडेट इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे, इंडिया के लिए स्टेबल की अलग से शेड्यूल निकल के आएगी, लेकिन उससे पहले 15-20 दिन पहले स्टेबल बेटा अपडेट प्रोवाइड किया जाएंगे, यानी कि पायलट यूजर को, यानी कि जो कि टेस्टिंग के लिए स्टेबल अपडेट कुछ यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। ये अपडेट आप लोगों को कब से मिलेगा, तो यहाँ पर जिन्होंने अप्लाई किया था MIUI 12.5 स्टेबल बेटा अपडेट के लिए, उनको ये अपडेट गाइस यहाँ पर नेक्स्ट मंथ के एंड तक देखने के लिए मिल सकता है पोको M2 Pro में। अब यहाँ पर मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट मंथ पे ही मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया Xiaomi का कोई भी भरोसा नहीं कब कौन सी डिवाइस को लोग कोई भी अपडेट प्रोवाइड करा देते, बट यहाँ पर चांसेस है कि आपको नेक्स्ट मंथ के एंड तक यानी कि मई के एंड तक कुछ यूजर को, पायलट यूजर को MIUI 12.5 का स्टेबल बेटा अपडेट देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से जून में आप लोगों को स्टेबल अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे काफी सारे डिवाइस को इंडिया में। उससे पहले यानी कि मई के एंड तक कुछ डिवाइस को, जैसे कि यहाँ पर पोको M2 Pro का भी डिवाइस हो गया, तो यहाँ पर उनके लिए MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। तब तक के लिए गाइस यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे अपडेट आएगा उसकी डिटेल निकल के आएगी, मैं आपको सबसे पहले वहीं पर शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।